दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट पार्क प्रीतमपुरा में उत्तरांचल कलर लैब प्रोफेशनल फोटोशूट सीजन 2 अशोक कुमार और रिया खंतवाल के द्वारा आयोजित करवाया गया, जिसमें हमारे सेलिब्रिटी मॉडल्स निधि बख्शी, अयान मोतीराव, रितिका कश्यप रहे। स्पेशल गेस्ट मीनू गुप्ता और स्वाति रहे। इस कार्यक्रम में सभी दिव्यांगों को मौका दिया गया मॉडलिंग करके आगे बढ़ने का, और साथ ही साथ इस कार्यक्रम को आयोजित करने का एक खास उद्देश्य इस देश में विकलांगता दूर करने का रहा। आज का फोटोशूट ये था हमारा, जैसे सेकंड सीजन था, कि काफी बच्चे उनको देख के लगा के यार प्रोफेशनल हमें एक लाइफ दी जाए, लाइफ जो प्रोफेशनल लाइफ है जो हमें मिल सके, जो मॉडल की एक प्रोफेशनल फोटो होते हैं ना, जो मॉडल होते हैं उनको सबको ये लगता था मैं भी मॉडल बनूं, मेरी भी एक लाइफ है। तो इनकी डिसेबिलिटी, काफ़ी डिसेबल बच्चों ने देखा, लड़कियों ने भी, तो उन्होंने देख के इन्होंने अपना रजिस्ट्रेसेबल लड़कियों का फोटोशूट हुआ और हमारा फेस पे डलता है और मैंने ये ऑर्गेनाइज किया। और थर्ड सीजन हमारा बहुत जल्दी आने वाला है और काफ़ी गेस्ट भी आए हमारे, काफ़ी मॉडल्स, जिसमें हमारे अयांक मैम, निधि बख्शी और रितिका कश्यप और श्वेति कश्यप स्वामी शर्मा और रेणु जी, रेणु गुप्ता और रिया मैम, जिन्होंने सारे मिलके, और हमारे सिद्धार्थ जी ये कोटा से हैं जो फोटोग्राफिंग करते हैं, और हमारे इन बच्चों के लिए इन्होंने कहा मुझे भी चाहिए, मतलब मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी करना चाहता हूँ, सबके साथ जुड़ना चाहता हूँ। और बाकी आप लोग हमारे साथ हो, आप लोग देखते हो इन डिसेबल को, भाई बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके माध्यम से भी इनको मोटिवेट मिलता है। मैं मीनू गुप्ता, ये अशोक के माध्यम से हम लोगों ने ये आयोजन किया है और हम इन बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं, ताकि ये बच्चे थोड़ी खुशी, इनकी खुशी के लिए हमने ऑर्गेनाइज किया था सब। बाकी तो देखिए, हम हाउसवाइफ हैं, रिया के थ्रू, उत्तरांचल लैब के थ्रू हमने ये उनके सपोर्ट के माध्यम से हमने ये ऑर्गेनाइज किया है, और इनमें मेन जो है इनका है सपोर्ट अशोक जी का। हाय, मैं स्वाति श्रीवास्तव हूँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं लोग अपने लिए, बहुत से लोग अपने लिए जीते हैं, आज की दुनिया में सब अपने बारे में सोचते हैं, मगर जो हैंडीकैप लोग हैं उनके लिए सोचना, उनको आगे बढ़ाना हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम चाहते हैं कि ये लोग भी हमारी तरह, नॉर्मल लोग की तरह आगे बढ़े, हर फील्ड में ये सब कुछ कर सकते हैं जो हम लोग कर सकते हैं। बस हमारा यही उद्देश्य है, इस फोटोशूट कर आए, इनका कॉन्फिडेंस आगे बढ़े, ये आगे निकल के आए। जो चीज़ हम दो कदम इनको आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये चार कदम आगे बढ़े, हम हमारा उद्देश्य यही था। मैडम, जैसे कि आप इनको सपोर्ट करते हैं, हाँ जी, और मैंने देखा है कि काफी एनजीओ भी हैं जो ऐसे दिव्यांग बच्चों को सपोर्ट करती हैं, तो आप एक हाउसवाइफ होने के साथ इनको सपोर्ट कर रही हैं, तो इसमें आपके परिवार का कहाँ तक का सपोर्ट है, उसके बारे में थोड़ा? मेरा परिवार, मेरा हस्बैंड है मेरे साथ, वो मेरे को पूरा सपोर्ट करते हैं। आज मैं, मेरा 7 साल का एक छोटा बच्चा है, मैं आज अपने हस्बैंड ने मेरे को सपोर्ट किया है, तभी आज मैं उसको वहाँ उनके पास छोड़ के आई हूँ। अगर उनका सपोर्ट नहीं होता शायद मैं यहाँ नहीं खड़ी होती। जहाँ आए सभी गेस्ट ने अपना संपूर्ण सहयोग दिया। हाय, माय नेम इज रिचा रोशन, मैं एक एक्टर एंड मॉडल हूँ। और अभी कुछ टाइम पहले अशोक जी ने ये फोटोशूट करवाया था, जिसमें मुझे भी इनवाइट किया था, तो मुझे फोटोशूट बहुत अच्छा लगा है और मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। ये विकलांगों के लिए था, खास करके जो विकलांग लोग सोचते हैं कि मैं मॉडल बनना चाहती हूँ, उनका भी होना चाहते हैं, तो उसी के चक्कर में इन्होंने रखा था ये फोटोशूट। हाय, माय नेम इज प्रीति, मुझे अशोक भैया जी ने हमें बुलाया था यहाँ पे आके, मुझे बहुत अच्छा लगा विकलांगों के लिए फोटोशूट, तो उन्हें भी मॉडलिंग करने का शौक। माय नेम इज पवन, मैं रोहतक हरियाणा से इंडस्ट्री से रहने वाला हूँ, मुझे इन दीवान भाइयों से मिलकर बहुत खुशी हुई। मैम सर, फर्स्ट टाइम मुझे मॉडलिंग करने का शौक भाई दिल से मिली था, और मेरी फ्रेंड ने क्या मुझे कहा कि आप रियल मैम से मिलो, वो आपके फोटोशूट में मॉडलिंग इवेंट करवाएंगे, तो मुझे यहाँ फर्स्ट टाइम मॉडलिंग का ऑफर मिला, और यहाँ आने के बाद रिया मैम मिले मुझे, उसके बाद जो मुझे दिव्यांग भाई मिले, इनसे मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। हम कहते हैं जो भी हमारे दिव्यांग भाई हैं बहुत काम जब और तरक्की के अनुसार दौड़े, और हम समझदार से हाथ जोड़ कर अनुमति करते हैं कि हमें दिव्यांग भाई को जितनी से जितनी हेल्प उसके वो हेल्प दे। हमारा उद्देश्य है कि इतने दिव्यांग भाई हैं, उनको हर प्रकार की हेल्प होती है, वो सब चीज़ हेल्प मिलनी चाहिए, जिससे कोई भी दिव्यांग अपने आप को कमजोर ना समझे। मेरा नाम कनक सिंह जादौन है, मैं अलीगढ़ से हूँ, मैं उत्तराचल फोटोशूट में फर्स्ट टाइम आई हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पे अपना फोटोशूट मतलब आई हूँ। मुझे पहले ना डर लगता था कि यार डिसेबिलिटी हूँ, मतलब ऐसा पर्सन हूँ, हैंडीकैप पर्सन हूँ, तो मेरी हंसी उड़ाते लोग,
पर जहाँ से मैं ना फाउंडेशन में जुड़ी हूँ वहाँ मुझे ना बहुत ताकत मिली है कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। मैं स्पोर्ट्स में भी हूँ और डांसर भी हूँ। मैंने गोल्ड मेडल जीते हैं एंड सिल्वर मेडल जीता है। बहुत मजा आया। किस तरह का फोटोशूट था, कैसा था ये आपका फोटोशूट? अब ये जिम जाते हैं रेगुलरली और काफी बड़े सलमान खान के फैन हैं। बताओ भाई से हम दोनों साथ जाते हैं जिम। मैं दोस्त भी है। काफी ज्यादा इनकी फ्रेंडशिप बढ़ी है जिम में आके। जिम में जाने के पब्लिकली जब गए तो काफी ज्यादा इनको खुले, इन सबसे बात करने का तरीका बदला इनका। मोहम्मद तौकीर मेरा नाम है, मैं दिल्ली दक्षिणपुरी में रहने वाला हूँ, वहाँ से रहता हूँ। फोटोशूट करवाने के लिए था, आपको कैसा लगा फोटोशूट? मैंने मेरा फर्स्ट टाइम, ये पहला फोटोशूट था। मैंने यहाँ पे जो फोटोशूट किया मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं थैंक यू करना कहना चाहूँगा रिया मैम का एंड अशोक सर का कि उन्होंने इस अवसर का मतलब कि हमें मौका दिया कि मैं यहाँ पे आया। फोटोशूट था ये, मतलब एक फैशन शो, मतलब मॉडल का फोटोशूट था। इसमें मतलब कि फोटो खिंचाने का सबसे मेन मकसद जो पहला है कि ये मतलब कि जो मॉडल्स हमारी आई थी, जो गेस्ट थी, उनके साथ हमने फोटो खिंचाया। और ये मतलब कि फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे और सोशल साइट्स के ऊपर ये डाल के मतलब कि अपने आप को पॉपुलर करना कि जो हम आगे जो भी हमारी राह है मॉडलिंग की है, सिंगिंग की है, डांसिंग की है, उसमें जाने के लिए हमें मतलब कि रास्ता हमारे लिए आसान हो। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्शन न्यूज़।